गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम ग्रो करने जा रहे हैं मारीगोल्ड के सीड। ये जो आप देख सकते हैं ये गेंदे का फूल है। सर्दियों में काफी अच्छे फ्लावर इसके ऊपर आते हैं और खूब अच्छे से इसमें बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है। तो चलिए आज हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों अगर बात करें मारीगोल्ड की तो मैरीगोल्ड को दोस्तों हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, तो कटिंग से ग्रो करने की इसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आज हम इसको सीड से ग्रो कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी स्टार्ट करते हैं सीडलिंग, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूं कि मुझे कैसा रिजल्ट मिला। यह है दोस्तों सीड का पैकेट जो मैंने खरीदा है तनवीर जी से। तो ये उसके सीड हैं, हाइब्रिड सीड हैं फ्रेंच मारीगोल्ड के। और दोस्तों अगर आप ये सीड खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उससे आप संपर्क कर लें व्हाट्सएप पर और वो आपको सीड अवेलेबल करवा देंगे। रेट भी इनका ठीक है, काफ़ी कोई महंगा नहीं है। और दोस्तों इसको ग्रो करने के लिए हमें चाहिए मिट्टी। अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आपको, या फिर ग्राउंड में कर रहे हैं तो आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके आपको सॉइल मिक्स बनाना है। और उसमें से जो मोटी कंकड़ हैं वो निकाल दीजिएगा। उनको निकालने के बाद हमें मतलब मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है। और हमारे जो ये सीड हैं इन सीड को हम इस तरीके से फैला देंगे अपनी मिट्टी के ऊपर, और सीड को इक्वली फैलाना है, एक ही जगह पर नहीं डालना। अगर एक ही जगह पर डालोगे तो उसमें से कई जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो उन्हें आपको फैला कर डालना है। और दोस्तों इसके ऊपर आपको शावर से स्प्रे करते रहना है डेली, मतलब इसका मॉइस्चर नहीं सूखना चाहिए, तो इसके अंदर मॉइस्चर बना के रखना है। और बारीक बारीक जो मिट्टी की लेयर है वो डालनी है। ध्यान रखिएगा मिट्टी की लेयर मोटी ना हो, अगर मोटी हो गई तो आपके सीड को जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आप हल्की हल्की लेयर डाल देंगे ताकि आपके सीड थोड़े कवर हो जाएं और उसके अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारी जो सीडलिंग है वो तो हमने कर दी, अब करेंगे हम रिजल्ट का वेट। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ कि कितने सीड जर्मिनेट हुए, कितना इसको इसमें रिजल्ट मिला है। तो क्योंकि ये है तनवीर अहमद के सीड की चेकिंग कि उनका जो सक्सेस रेट है वो कितना मिलता है। वो बोलते हैं कि उनके सीड का जो जर्मिनेशन रेट है वो 80% है, लेकिन आज हम चेक करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और दोस्तों अगर तेज़ सनलाइट आ जाए तो इसके ऊपर कपड़ा ढक दीजिएगा ताकि तेज़ धूप से आपके जो छोटे छोटे प्लांट है वो बर्न ना हो। तो दोस्तों ये है आपके सामने गेंदे की सीडलिंग, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से जो मेरे सीड हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। ये दोस्तों फ्रेंच मैरीगोल्ड दोस्तों काफ़ी अच्छा फूल होता है देखने में, और ये आपके सामने है बहुत ही अच्छे से इसके प्लांट जो है वो जर्मिनेट हुए हैं। दोस्तों इसको रखना ये है कि जैसे मैंने इसको सितंबर में ग्रो कर लिया था तो सितंबर में मुझे इसको थोड़ा सा इसके ऊपर छाया बनाकर रखनी पड़ी, इसके ऊपर कपड़ा ढकना पड़ा क्योंकि तेज़ धूप थी, तेज़ धूप में इसके प्लांट जो बर्न हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट बर्न ना हो तो आप अभी जैसे अक्टूबर आ गया है तो आप अक्टूबर में इसके सीड जो है वो ग्रो करें, या फिर अभी जैसे सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है, टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी डाउन हो गया है, तो अब इसकी बेझिझक आप इसकी सीडलिंग जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सीडलिंग आप कर लीजिएगा, ये देखिए काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं, बिल्कुल बहुत ही लगभग सभी सीड जो हैं 80% ग्रो हुए हैं। और ये सीड मैंने तनवीर से लिए थे। तो अगर आप सीड परचेज करना चाहते हैं
उनके पास व्हाइट मैरीगोल्ड भी है, मतलब सफ़ेद गेंदा, और बहुत सारे विंटर फ्लावर, लगभग 24-25 तरह के आपको उनके पास मिल जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए, मैं स्क्रीन पर उसका नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और सीड जो है वो आप परचेज़ कर लीजिएगा। रेट भी को महंगा नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं और जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों, ये एक और सीडलिंग है मेरी, और ये वाली दोस्तों कैलेंडुला की, और इधर भी सीड जर्मिनेट हुए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे सीड इसके निकले हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो आप उनसे ले सकते हैं, नो इश्यू, नंबर मैं दे दूंगा, आप उनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।